हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रे मिस्टीरियो के रिटायरमेंट के बारे में। जैसा कि रिसेंट में रॉक का एपिसोड खत्म हुआ जहां रे मिस्टीरियो के रिटायरमेंट सेरेमनी दिखनी थी, बट ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। इसके पीछे क्या वजह है, क्या रीजन है, उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जानेंगे कि WWE ने ये सब क्यों प्लान करा, सब पर नजर डालेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो पहल बजा के। जैसा कि हाल ही के रॉक के एपिसोड में WWE ने रे मिस्टीरियो के रिटायरमेंट सेरेमनी को अनाउंस किया हुआ था, जो कि सेथ रॉलिंस होस्ट करने वाले थे, बट ऐसा कुछ भी इस एपिसोड पर हमें देखने को नहीं मिला। बट रे मिस्टीरियो के इंटरव्यू के बाद पता चला कि ये सब सेथ रॉलिंस का फैलाया हुआ रहता था। अब रीजन पर आऊं, उससे पहले जान लेते हैं कि रे मिस्टीरियो ने रॉ पर क्या क्या बात कही। रॉ पर रे मिस्टीरियो दिखाई दिए जो कि लाइव टीवी के जरिए जुड़े। उन्होंने आके कहा कि कोई टाइम टेबल नहीं है और मुझे पता नहीं है कि मैं टाइम पर वापसी कर पाऊंगा या नहीं। अगर मुझे इन्फेक्शन होता है तो हो सकता है कि ये मेरे करियर का एंड हो। अब सब कुछ मेरे ऊपर है। अब हो सकता है कि मुझे रेसलिंग के लिए परमिशन दे दी जाए, या हो सकता है कि अब कभी भी इसकी परमिशन ना मिले। उनसे जब उनके रिटायरमेंट सेरेमनी के बारे में पूछा तो रे मिस्टीरियो ने कहा कि ये सब मैंने नहीं चुना था, ये सेथ रॉलिंस का डिसीजन था। रे मिस्टीरियो ने यह भी कहा कि जो भी सेथ रॉलिंस ने मेरे साथ करा है उसके लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तभी डोमिनिक दिखते हैं और कहते हैं कि लानत है सेथ रॉलिंस, तुमने जो भी मेरी फैमिली के साथ किया। बट हाँ, सेथ रॉलिंस वर्सेस रे मिस्टीरियो अभी खत्म नहीं हुआ है। मैंने उनके फेस पर खून देखा और सफर करते हुए देखा। लास्ट में डोमिनिक कहते हैं सेथ रॉलिंस एक आंख के बदले एक आंख। अब देखिए, सेथ रॉलिंस ने रे मिस्टीरियो के साथ उस अटैक में जो कुछ भी करा था, उनकी आंख को स्टील स्टेप्स पर लगाकर दबा दिया था। उसके बाद कहा जा रहा है कि रे मिस्टीरियो शायद अब कभी रिंग में ना लौटे अगर उन्हें इन्फेक्शन हुआ तो आप सभी को बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आने वाले कुछ टाइम में आप रे मिस्टीरियो को फिर से रिंग में लड़ते हुए देखेंगे। ये केवल एक स्टोरी लाइन है। वैसे इस इंटरव्यू के बाद सेथ रॉलिंस वर्सेस डोमिनिक के बीच मैच भी टीज होने लगा है। बट अब आते हैं एक्चुअल थिंग पे कि ये सब क्यों हुआ। तो आप सभी को मैंने रॉक के एपिसोड से पहले प्रीव्यू में ही बता दिया था कि ये सब एक स्टोरी लाइन है और ये सब डोमिनिक को लॉन्च करने का तरीका है। डोमिनिक हमें रे मिस्टीरियो केन वेलास्केस के साथ ब्रॉक लेसनर की स्टोरी लाइन के टाइम पर भी दिखाई दिए थे, उसके बाद वो अब दिखाई दिए हैं। वैसे आप सभी को बता दूं, रे मिस्टीरियो का कॉन्ट्रैक्ट WWE के साथ सितंबर में खत्म होने वाला है, और जब रे मिस्टीरियो ने WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था तो उन्होंने WWE के साथ डील में ये डिसाइड करा था कि WWE उनके बेटे को लॉन्च करेगी। तो आप समझ गए होंगे कि ये क्यों हो रहा है। अब हो सकता है कि रे मिस्टीरियो WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट आगे साइन ना करें, बट रे मिस्टीरियो चाहते हैं कि उनके रिटायर होने से पहले वो अपने बेटे के साथ रिंग शेयर करें और उसमें रेसलिंग करना चाहते हैं। हालांकि डोमिनिक अभी ट्रेनिंग मोड में है और जमकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब देखते हैं कि WWE उन्हें कब लॉन्च करती है और कैसे लॉन्च करती है। बट यकीन मानिए, उसमें सेथ रॉलिंस का इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है और ये WWE ने जता भी दिया है। तो ये कुछ रीजन थे WWE में सेथ रॉलिंस का रे मिस्टीरियो पर अटैक और रिटायरमेंट का हल्ला करने के पीछे। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।